हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सांच। मेरे चैनल सांच पे एक बहुत बड़ा सा वेलकम। आज मैं एक बहुत दिनों के बाद एक प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो लेके आई हूँ, जो कि ब्रांड O3 प्लस से है। काफ़ी दिनों से मैं सोच ही रही थी कुछ प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी, जिनको मैंने डेफिनेटली मैंने यूज़ किया। यूज़ करने के बाद ही मुझे इसका जो इफेक्ट है वो पता चला, एंड देन आज मैं उसका जो रिव्यू है मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। जो O3 प्लस जो रेंज है वो है इटली का ब्रांड है, एंड इट्स नोन फॉर देयर ब्राइटनिंग प्रोडक्ट्स, जो इंस्टेंटली ग्लो एंड ब्राइटनिंग प्रोवाइड करने में हमको बहुत हेल्प करती है। तो उसका आज एक फेशियल किट के बारे में मैं रिव्यू करूँगी, जो कि उनका जो वाइटनिंग रेंज जो है उसका जो फेशियल किट है उसके बारे में मैं आज रिव्यू शेयर करूँगी। तो चलिए पहले आपको मैं प्रोडक्ट दिखाती हूँ। दिस इज़ द प्रोडक्ट, ऐसा कुछ बॉक्स में आता है, ये है। आई होप यू कैन सी, दिस इज द प्रोडक्ट। ये एक ऐसा कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, जो कि ऐसा एक मीडियम साइज का एक कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है। इसके अंदर ऐसा कुछ 5 प्रोडक्ट्स है। मैं धीरे धीरे ओपन करके आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। पहले आप बॉक्स देखिए, ऐसा एक बॉक्स में आता है, काफ़ी क्लासी बॉक्स है, काफ़ी बहुत ही अट्रैक्टिव सा बॉक्स है। तो इसको जैसे हम लोग ओपन करेंगे, प्रोडक्ट है, पहले मैं दिखाती हूँ। इस पर 5 स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टेप है क्लेंस, देन टोन, देन मसाज, देन प्रिपेयर एंड देन रिपेयर। तो ये 5 स्टेप में एक पूरा का पूरा फेशियल कंप्लीट होता है। तो इसको मैंने काफ़ी यूज़ किया है, मुझे इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा लगा, तो आज इसीलिए मैं इसका रिव्यू आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। तो ऐसा कुछ है बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे कुछ O3 प्लस के बारे में कुछ लिखा हुआ है, जो उनका जो थेरेपिस्ट है उनका फ़ोटो दिया हुआ है, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैसा, जो मतलब ये स्किन के लिए कितना आसान, मतलब इजी वे से आप एक जो अपना चेहरे पे जो टैन है, काले धब्बे वो सब हटा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे हुए है द बेस्ट ट्रीटमेंट इन द सैलॉन बिजनेस। और इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है पता है, ये सैलॉन में पार्लर में यूज़ होता है। मैंने भी फर्स्ट टाइम पार्लर में इसको ट्राई किया, मुझे ये बहुत पसंद आया, तब मैंने उसको घर पे ही बाय करके मैंने घर पे ही उसको फेशियल को कंटिन्यू किया। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको पार्लर और सैलॉन्स में भी इसको यूज़ करते हैं। तो ऐसा बॉक्स के अंदर ऐसा 5 प्रोडक्ट्स आता है, एंड ऑल आर मेड इन ग्लास मटेरियल। जो भी इनके 3 बॉटल्स है और 2 टब है, जो भी है सारे के सारे ग्लास के मटेरियल में पैक्ड है। तो ये एक खाली मेरे को ड्रॉबैक लगा, अदर देन दैट इसका मेरिट है, मतलब बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है इनका, ये है ये क्लेंजर, मैं धीरे धीरे शो करूँगी। ये है क्लेंजर, देन ये है टोनर, और ये है सीरम जो एकदम लास्ट पे लगाया जाएगा, और इसमें है मसाजिंग क्रीम, और ये है पैक। तो चलिए एक एक करके प्रोडक्ट मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी और दिखाऊँगी आज ये डेमो करके मेरे हैंड पे कैसा होता है प्रोडक्ट का क्वालिटी एंड ऑल। तो सबसे पहले क्लेंजर, तो ये एक ग्लास बॉटल का है, एंड सारे के सारे प्रोडक्ट 50 ml 50 ml 50 ग्राम के है। जो मतलब बॉटल्स में है वो 50 ml का है, और जो टब में है वो 50 ग्राम्स का है। तो ऐसा कुछ बॉटल में आता है, आप देख सकते हो, और ये एक प्योर ग्लास बॉटल में है, एक ट्रांसपेरेंट सा कवर है, एंड इस ये वाइटनिंग क्लेंजिंग फोम है। इट्स अ क्लेंजिंग फोम जो बहुत ही ईजी वे से यू नो मेल्ट हो जाती है अपने स्किन पे। तो दिस इज द प्रोडक्ट, ओके, अपने फेस के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ऐसा कुछ है प्रोडक्ट, बहुत ही क्रीमी सा, बहुत ही लाइट वेट, एकदम
स्मेल भी बहुत बढ़िया है, एकदम फोमी सा अच्छा सा माइल्ड क्लेंजर है। मतलब ये होता है ना एक हार्श क्लेंजर, वो टाइप का कुछ नहीं है, बहुत ही माइल्ड, बहुत ही सॉफ्ट एक क्लेंजर है। इसको आप अपने फेस पे लगा के, गीले फेस पे लगा के इसको आप फेस को क्लींज कर सकते हो। पर मैं इससे पहले भी एक फेस वॉश में यूज़ करती हूँ, पर क्योंकि मैं मानती हूँ कि अच्छी तरीके से अगर फेस क्लीन ना हो, फेस वॉश से अगर क्लीन ना हो, तो फिर फेशियल का पूरा ट्रीटमेंट ही बेसलेस है। तो मैं फेस वॉश से क्लीन करके फिर ये क्लेंजर यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें ना एक थोड़ा सा बटरी, एक वाइली सा टेक्सचर भी है जो आपको आसानी से आपका फेस को लेदर अप भी करती है। तो इसको बस लगा के आपको पूरे फेस को क्लीन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे जंप करते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है फेशियल के ट्रीटमेंट में, नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है क्लेंजर के बाद में स्क्रब। पर इन्होंने कोई स्क्रब नहीं लिया, वही दूसरा चीज़ मुझे और एक ड्रॉबैक लगा। तो दे डिडंट अप्लाई एनी, प्रोवाइड नहीं किया कोई भी स्क्रब। तो मैंने क्या किया, मेरा जो स्क्रब था उसी से मैंने स्क्रब किया। मैं यही सजेस्ट करूँगी आप भी क्लेंजिंग के बाद का जो स्टेप है, आप अपना जो स्क्रब है उसको आप यूज़ करके एक स्क्रब ज़रूर कर लीजिए। अगर नहीं करना चाहते तो ओके, बट स्क्रब करने से हमारी स्किन में जो डेड सेल्स होते हैं, डेड स्किन होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, एंड उससे हमारा स्किन को एक फ्रेश, एक बेबी सा सॉफ्ट स्किन जो अंदर का स्किन है वो बाहर आ जाता है। तो डेफिनेटली कोई भी स्क्रब जो आप यूज़ करते हो इससे आप स्क्रब ज़रूर करिएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टोनर, सेम वैसा ही बॉटल में, ऐसा बॉटल में आता है। स्क्रब के बाद ही मैं ये टोनर का बारे में बोली हूँ, क्योंकि उन्होंने सेकेंड स्टेप ये एक टोनर ही दिया है, जैसे इनका स्क्रब नहीं है। ओके, तो आप स्क्रब करके ये टोनर अप्लाई करिए। टोनर भी बहुत ही वटरी सा टाइप का है, ये रहा, ये भी 50 ml का है, देखिए आप एकदम रानी सा टेक्सचर है, ये रहा गिर रहा है, एकदम वाटरी सा टेक्सचर है, और ये आसानी से आपके जो स्किन में है ना अब्जॉर्ब हो जाती है। फिर भी आपको इसको थोड़ा देर के लिए टैप अप करना है, खींचिए मत, हल्का सा ऐसा करके फिर इसको टैप अप करिए ऐसे, जब तक ये स्किन पे अब्जॉर्ब ना हो जाए। तो उसको आप टैप करिए और ये आपकी स्किन पे आराम से ये स्किन पूरा का पूरा स्किन आप ये टोनर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये हो गया टोनर। इसके बाद जो स्टेप है इनका है मसाजिंग क्रीम, जो कि एक बहुत बढ़िया, बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, ड्राई स्किन वाले विल लव इट। वीडियो पे मैं बात करूँगी ये कौन से टाइप के स्किन के लिए है, धीरे धीरे मैं बोलूँगी, पहला प्रोडक्ट देखिए। सो दिस इज़ द, ये टब में आता है, मसाजिंग क्रीम है, और यहाँ पे ना इसका जो कवर है ये एक मिरर जैसा बना हुआ है। तो आपके पास अगर मिरर नहीं हो तो आप इस पर आराम से अपना फेस भी देख सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा चीज़ लगा। अगेन ये ग्लास टब में है, और 50 ग्राम का प्रोडक्ट है। मैं प्रोडक्ट ओपन करके आपको दिखाती हूँ। अंदर में केयर शील्ड लगाया हुआ है जो कि इसको सेफ करती है, और क्रीम कुछ इस तरीके का है, और ये पूरा वाइट प्रोडक्ट है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ लेके। ये क्रीम इतनी बढ़िया है, मतलब इतनी अच्छी है, ड्राई स्किन पीपल विल जस्ट लव इट। ऑयली स्किन वाले भी पसंद करेंगे, बट इन विंटर, समर में मैं सजेस्ट करूँगी ऑयली स्किन वाले आप इसको अवॉइड करिए। ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसमें कोकोनट है, कोकोनट का जो पल्प होता है वो है, और ये विदाउट वाटर मसाजिंग क्रीम है। यस, आप जब टोनर लगाने के बाद आपका स्किन वैसे भी थोड़ा सा हल्का सा वेट रहता ही है, उस पर आप ये मसाजिंग क्रीम से मसाज करेंगे, और इसकी सबसे ख़ास बात क्या है पता है, आप जितना उसको मसाज करेंगे इतना ही ये ऑयल निकालेगा। यस, इसके अंदर से है ना, जो आप जैसे इसको मसाज करते रहेंगे देखिए, आप खाली मसाज करेंगे इसके अंदर से ऑयल निकल रहा है। कम से कम टेक सम टाइम, 20 to 25 मिनट्स
या आधा घंटा 30 मिनट्स सब लीजिए और इसको बस मसाज करिए हल्के हाथों से, जो फेशियल मसाज जो होते हैं ना अपवर्ड स्ट्रोक में, बस इसको पूरा फेस में, नेक पे, गर्दन पे, ईयर्स पे आप मसाज करिए और ये बस इट विल टेक द वेल इनसाइड द स्किन। और बस ये देखिए विदाउट वाटर, यस, इसमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस उसको मसाज करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, ये वॉयल छोड़ता रहेगा, छोड़ता रहेगा, छोड़ता रहेगा और जब तक पूरा का पूरा वॉयल जो इसके अंदर से निकलेगा वो अब जब तक पूरा का पूरा स्किन पे एब्जॉर्ब ना हो जाए आप उसको मसाज करते रहिए। इसका खासियत ये है क्योंकि ये कोकोनट वॉयल से बना हुआ है, लिक्राइस भी है, यही चीज़ आपकी जो स्किन को ना वाइटनिंग प्रोडक्ट इफेक्ट जो देगी और जो आपका सन टैन है, जो भी मतलब जो भी चेहरे पे काले धब्बे वगैरह है सब इसको हटाएगा। और बस खाली उसको आप मसाज करिए, मसाज करिए, मसाज करिए, करते 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 जब तक ये एब्जॉर्ब हो जाए तब तक आप मसाज करिए। एंड देन डोंट वॉश इट ऑफ, आप इसको धोइए मत, हाँ इसको क्लीन मतलब पानी से मत धोइए, इसी के ऊपर आपको पैक लगाना है। तो चलिए इसी बात पर चलते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है उनका फेस पैक। ये है द नेक्स्ट स्टेप जो कि इनका फेस पैक है, वाइटनिंग फेस पैक, जो कि अगेन एक ऐसा ही ग्लास मिरर शील्ड कवर में है और ये भी 50 ग्राम का प्रोडक्ट है और अच्छा खासा पैक है। एक कूलिंग सा इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है एंड तुरंत तक स्किन को एक वाइटनिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड भी करता है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको प्रोडक्ट अंदर से कैसा है। अगेन एक प्रोटेक्ट शील्ड दिया हुआ है और प्रोडक्ट कुछ ऐसा है। स्मेल बहुत अच्छा है, सारे के सारे प्रोडक्ट का स्मेल बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसा होता है, इसका एक थिक लेयर, थिन नहीं, एक थिक लेयर आप पूरे चेहरे पे लगा दीजिए और इसको कम से कम 20 मिनट्स तक आप रखिए। ये पूरा ड्राई नहीं होगा ये, क्योंकि ये वेल बेस्ड मास्क है तो ये पूरा का पूरा ड्राई नहीं होगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा है विंटर में अपनी स्किन के लिए मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए। एंड ड्राई स्किन वाले जो पीपल है इनके लिए तो बहुत बढ़िया है। तो इसको आप छोड़ दीजिए एंड आफ्टर 20 मिनट्स और 25 मिनट्स इसको फिर से आप मसाज करिए। यस, इसको फिर से आप मसाज करिए एंड देन एक और ड्राई टिश्यू होती है ना, नैपकिन जो होती है, टिश्यू होती है, उससे आप अपनी स्किन को पूरा वाइप कर लीजिए और फिर प्लेन वाटर से, हल्का सा प्लेन वाटर से आप फेस को वॉश करके फिर आप जो इसका सिरम है वो लगाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप, जो इसका लास्ट स्टेप है सिरम, उस पर हम लोग दिखाते हैं कि वो मैं दिखाती हूँ आप लोग को कैसा है वो सिरम। और जो इसका लास्ट स्टेप है वो है ये सिरम, वाइटनिंग सिरम, जो कि मुझे काफ़ी बहुत पसंद है। तो ये भी ऐसा ही 50 ml का बॉटल में आता है एंड वाइटनिंग सिरम है, सेम कैप है, देखिए सिरम काफ़ी थिक सिरम है, देखिए गिर भी नहीं रहा। ठीक है, तो ये काफ़ी थिक सीरम है, ट्रांसपेरेंट सा है, आपके स्किन के लिए परफेक्ट है। आप फेशियल के बाद कोई भी एक शील्ड, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना स्किन को बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ द परफेक्ट थिंग आई वांट फॉर माय स्किन, एज माय स्किन इज़ वेरी ड्राई स्किन और विंटर में तो ये बहुत सुपर ड्राई हो जाती है। तो मेरे स्किन को ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरीके से यू नो मॉइस्चराइजेशन मॉइस्चर प्रोवाइड करती है आफ्टर दिस फेशियल एंड आई लव्ड इट अलॉट। इसका स्मेल भी बहुत ही अच्छा है एंड ये जो मॉइस्चर प्रोवाइड करती है ना स्किन को, इसका क्या कहना, मतलब मैं तो फिदा हो गई इसके। तो मैं इसी तरीके से घर पे अपना जो फेशियल है, तो मैं इसी तरीके से घर पे ही मैं अपना ये फेशियल करती हूँ और मुझे ये बहुत पसंद आया। O3 प्रोफेशनल, O3 प्लस का प्रोफेशनल वाइटनिंग फेशियल किट। और ये अब बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। इसने बोला है फॉर टैन पिग पिगमेंटेड स्किन रेडियंस एंड शाइन। ये जो बहुत टैनिंग होते हैं या दाग धब्बे हो जाते हैं ना, उनके लिए दिस इज़ द परफेक्ट फेशियल किट। थोड़ा सा कॉस्टली है, बात करें इसके कॉस्ट के ऊपर, प्राइस के ऊपर,
ये कॉस्टली इसीलिए है, एक तो ये इटली का ब्रांड है और ये सैलॉन प्रोडक्ट है, ये नॉर्मल वाले जो अपने जाके बाज़ार से ख़रीद के लेके आए वो सब नहीं है, दिस इज़ सैलॉन बेस्ड प्रोडक्ट, इसीलिए थोड़ा सा ये कॉस्टली है क्योंकि पार्लर वाले सैलॉन वाले भी इसी पैक को यूज़ करते हैं और एक एक फेशियल पे 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 तक भी ये लोग लेते हैं। तो और ये पूरा का पूरा जो पैक है मुझे 3,700 का पड़ा, इसका कॉस्ट है 4,370 जो कि मेरे को डिस्काउंट पे 3,700 समथिंग पड़ा, 500-700 रुपए का मेरे को डिस्काउंट मिला इस पर। और ये मैंने O3 प्लस की जो प्रोफेशनल जो साइट है, ऑफिशियल जो साइट है, वहाँ से मैंने लिया है। आप लोग इसको अमेजन, नायका, पर्पल हर जगह से खरीद सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगी O3 का जो साइट है, ऑफिशियल साइट, वहाँ से ज़रूर से लीजिए फॉर द ओरिजिनल एंड प्योर प्रोडक्ट। तो एक बार का आपने अगर ख़रीद लिया तो आपका ये जो पार्लर में जो खर्चा है ना, जो 1,500, 2,000, 3,000 का जो बार बार फेशियल के अंडर में आपको देना पड़ता है, वो चीज़ आपको देना नहीं पड़ेगा। आप एक बार में ले लिए और आपके कई सारे फेशियल आप उससे कर सकते हैं। एंड अभी जैसे शादियों का सीज़न है तो फेशियल के बिना तो शादियों में जाना अधूरा ही है, तो इस फेशियल किट को आप ज़रूर से ट्राई करें और एकदम निखरी निखरी ग्लोइंग त्वचा ज़रूर से पाइए, क्योंकि इंस्टेंट वाइटनिंग प्रोवाइड करता है एंड साथ में एक ग्लोइंग टेक्सचर भी रहता है। तो मुझे ये बहुत पसंद आया एंड I would suggest you people definitely should go with this. ये आपको disappoint नहीं करेगा and you will feel happy with this facial kit. तो बस आज यही था O3 Plus का जो professional whitening facial kit है आज का ये video। तो आप लोग को मेरा ये video में कुछ भी अगर अच्छा लगा तो please like, comment and share। और जो लोग आज मेरा ये channel को first time देख रहे हो please to subscribe to my channel और इसके पास में जो घंटी है उसको दबा दीजिएगा all में, और मैं तुरंत ही कुछ और प्रोडक्ट का रिव्यू वीडियो लेके डेफिनेटली मैं लौटूंगी। तब तक अच्छे रहिए, सुंदर रहिए, अपनी स्किन का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।